दोस्तों, अगर आप भी राम सेतु मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जेकेलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर कर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक के तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है।
इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर कर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो
एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा।
आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर कर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक
शर्मा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो ASI पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक के तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित, 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों
मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों। ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित। 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद
उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर कर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा,
परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जेकेलिन फर्नांडिस, नस्सर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर कर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित, 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो
चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर कर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो ASI पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित। 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा।
इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर कर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे भगवान में विश्वास नहीं करता, उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला इस्लामाबाद
में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित, 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर
जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक के तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में,
बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय।
दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर कर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक के तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे भगवान में विश्वास नहीं करता, उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित। 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है।
इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर कर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो
एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा।
आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक
शर्मा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर कर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो ASI पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित, 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों
मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों। ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद
उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा,
परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जेकेलिन फर्नांडिस, नस्सर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर कर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक के तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित, 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए
चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर कर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो ASI पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु
केतु के अस्तित्व के कारण है। उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर कर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे भगवान में विश्वास नहीं करता, उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला इस्लामाबाद
में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित। 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर
जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में,
बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित, 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय।
दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो ASI पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे भगवान में विश्वास नहीं करता, उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला, इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित, 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है।
इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर कर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो
एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी राम सेतु मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई एडवेंचर एंड एक्शन मूवी राम सेतु, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 81% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सत्यदेव कांची राणा, नुसरत भरूचा, नीरज गोस्वामी, श्वेता कुआत्रा, परवेश राणा, जेनिफर पिसिनाटो, सादिका सयाल, जैकलिन फर्नांडिस, नसर, अतुल तिवारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा।
आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे भगवान में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर का खजाना बाद में मिला। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित, 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है। पहले तो उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि रामायण एक महाकाव्य कल्पना है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उसे पूरे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अदालत में हल्फनामे के रूप में पेश की गई रिपोर्ट के सरकार अपमानित हुए हैं क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। इसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ती है और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहता है और उसका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उसके जहाजों को लंबे सफर तय करना पड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय।